दोस्तों इस टाइम हम मौजूद हैं हैदराबाद के एक मशहूर रेस्टोरेंट में, इसका नाम अलसबा है, और आज हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं लस्सी, जो कि यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर है। चलिए मेरे साथ। सलाम अलैकुम भैया, मैं लस्सी दो चाहिए थी, सिंपल लस्सी। और मुझे बताया लस्सी में आप क्या क्या ऐड कर रहे हैं? आइसक्रीम, लस्सी आदि। ठीक है, आप दिखाइए सर क्या क्या ऐड कर रहे हैं आप। तो ये भाई साहब के अंदर इसमें रहते हैं। पहले आपने क्या ऐड किया? ये लस्सी आपने ऐड की। ओके, और ये आइसक्रीम। आइसक्रीम, ये कौन सी आइसक्रीम है भैया? वनीला। वनीला, ओके। यहाँ की लस्सी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, इससे पहले भी मैंने ट्राई किया है। उसके बाद ये ऐड करने वाला है इसको भैया, ये क्या है? फलाफल स्वीट। ओके, ये देखिए भाई, सिर्फ 30 सेकंड में लस्सी तैयार हो गई है विद आइसक्रीम के साथ, और ये लस्सी जो है सिर्फ 50 रुपीज़ में आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरत है यार। यहाँ पर इसका मेन्यू भी रहेगा, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी लस्सी की वैरायटी हैं। नॉर्मल लस्सी जो है वो सिंगल 50 में स्टार्ट होती है, और उसके बाद स्पेशल जो है 100 रुपये में, फालूदा 50 में और 100 में, मैंगो लस्सी 70 रुपये में। और इसी से आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारी लस्सी हैं जो यहाँ पर भैया भेज रहे हैं। अभी हम लस्सी पी लेते हैं। दोस्तों ये रही लस्सी, अब हम इसका टेस्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार यहाँ पर ट्राई किया है लस्सी, और जब हम दिल्ली में थे तो दिल्ली में हम कंटिन्यू लस्सी पी रहे थे। वहाँ की जो लस्सी है जाकिर नगर की, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी भी है, और ये लस्सी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई जाकिर नगर से। और ये लस्सी जो है सस्ती भी है, 50 रुपये में मिलती है आपको, और अगर आप जाकिर नगर में जाएंगे दिल्ली में तो वहाँ पर आपको अराउंड 100-150 में जो है इतनी लस्सी, इससे कम लस्सी जो है मिलती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है टेस्टी है और काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी है। अगर आप यहाँ पर आएंगे हैदराबाद कभी, हैदराबाद ये गच्ची बोली में ये अलसबा पड़ता है, तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए और ट्राई कीजिए लस्सी।